दीदियों का मेरा प्रणाम। मैं कल आलनिया के क्लस्टर की एसीजी की दीदियों से कल मिला था और जब उन दीदियों ने अपनी कहानी सुनाई, अपनी जीवन की कहानी सुनाई, तो मुझे लगा कि मेरे देश की दीदियां माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को भारत को बना सकते हैं और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आप पर बहुत विश्वास है, भरोसा है। भारत की दीदियां ही आत्मनिर्भर भारत को बनाएंगे, भारत की दीदियां ही इस विकसित भारत के सपनों को पूरा करेंगी, भारत की दीदियां ही आर्थिक स्वावलंबन के आधार पर छोटे गांव में लघु कुटीर उद्योग व्यापार जैसे काम कर आर्थिक स्वावलंबन के साथ गरीबी की रेखा से निकल कर आएंगे। और मैंने दीदियों की बात को सुना, कई दीदियां घूंघट से बाहर नहीं निकलती थी, कोई एमए पढ़ी हुई थी, बीए पढ़ी हुई थी और 10-15 साल से कोई काम नहीं कर रही थी, लेकिन काम करने की मन में इच्छा थी, प्रेरणा थी, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जिससे कि वह काम करे। ये आजीविका मिशन के द्वारा आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है। मैंने अभी श्रीमती नवल जी से, दीदी से बात सुनी, मैंने सोनिया दीदी की बात सुनी, विजय कुमारी की दीदी की बात सुनी, मैंने सब दीदियों की कहानी कुछ सुनी। कोई ने साड़ी की दुकान लगाई, कोई ने मुर्गी पालन, कोई ने तेल की छोटी काम किया, किसी ने दूध इकट्ठा किया और दूध बेचने का काम किया, और सबने चक्की लगाई और सबने अपने अपने काम करकर, कोई ने 500, कोई ने 1000, कोई 1500, कोई ने ऐसे मतलब 10,000-15,000 रुपए महीने के कामों को शुरू करके अपने महिलाओं को। लेकिन हम इस काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी दीदियों के हाथ में हुनर है, काम करने का जज्बा है और नारी शक्ति में यूं भी आत्मविश्वास भी ज्यादा होता है, सहन शक्ति भी ज्यादा होती है, क्योंकि दीदियां जहां पैदा हुई उस परिवार को भी संभालती है, जहां शादी हुई उस परिवार को भी संभालती है और संभालती नहीं उनकी चिंता करती है, काम करती है, मेहनत करती है, बच्चों को पढ़ाती है, बच्चों का खाना बनाती है, परिवार का खाना बनाती है, परिवार का सारा काम करती है और परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत भी करती है। ये काम भारत की दीदियां ही कर सकती है और इसीलिए हम सब मिलकर हमारे गांव के अंदर हर महिला को आर्थिक स्वावलंबन के रूप में आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। समय लगेगा लेकिन एक दिन इस क्षेत्र के इलाके के अंदर हमारी दीदियां
लखपति दीदिया होगी जो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है। और लखपति दीदियों का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है तो प्रधानमंत्री जी उस सपने को पूरा करने के लिए पूरा आपका सहयोग भी करेंगे। इसलिए हम आज बैठकर चर्चा कर रहे हैं। मैंने कल कुछ बात सुनी, आज कुछ बात सुनी, जब सबकी बात सुनूंगा तो तीन चार चीजें मेरे ध्यान में आई। जब मैं आलनिया के शिविर में गया तो वहां पर एक महिला ने चक्की भी लगाई, चक्की के साथ मसाला की चक्की भी लगाई, तो हल्दी, धनिया, मिर्ची, तीन मसाले और आटा की। मैंने कहा कि अपने यहां पर 13 पंचायत है, अपन पहले 13 पंचायत में मॉडल खड़ा करें, हर पंचायत के अंदर मैं आपको चक्की और मसाला पीसने की चक्की हर दूंगा, नोट करते रहना आप, वो मैं CSR के तहत किसी से दिला दूंगा, बाकी सबों को लोन मिल जाएगा। और फिर उन समूह की महिला को कच्चा माल उधार लेना है तो कच्चा माल भी दिला देंगे, फिर उनके माल को खरीदने की व्यवस्था भी कर देंगे, तो सारा सिस्टम जम जाएगा। एक काम अपन ने खड़ा किया। दूसरा काम खड़ा किया अपन ने कि 13 पंचायत में एक एक साड़ी की दुकान डाली और 13 पंचायत की एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमने सूरत से या कहीं से भी थोक में उधार साड़ी मंगाई, वो पंचायत को दी और पंचायत ने पैसा जमा करके ट्रस्ट हेड को दी और ट्रस्ट हेड ने सूरत में दे दी, तो एक एक पंचायत में साड़ी की दुकान भी होगी। तीसरा काम, दूध के अंदर जितनी भी महिलाएं और पशु पालना चाहती हैं उनकी सारी औपचारिकता SEG कराए, सबको 1,60,000 का ऋण दिला देंगे, तो चार चार जानवर और खरीद लेंगे। दूध अपन कलेक्शन करने का सेंटर है से उसका कलेक्शन कर देंगे और भविष्य में 3-4 पंचायतों पर बड़ी पर, जैसे उदाहरण तौर पर कापरेन में एक जगह पन्ने दे, वहां पर एक समूह ने डेयरी चलाई, दूध कलेक्शन हुआ, डेयरी चलाई, 5-7 महिलाओं को काम मिला। धीरे धीरे अपन 2-3 सेंटर बनाते चले जाएंगे जहां से दूध बिकना शुरू हो जाएगा। तीसरा काम जो बहुत आसानी से किया जा सकता है वो किया जा सकता है अचार बनाने का। अचार बनाने का काम SEG करे, खरीदने की व्यवस्था मैं करवा दूंगा, क्योंकि मैंने देखा कि बना तो लेंगे बेचेंगे कहां पर। तो कल मैं आलनिया में गया तो साबुन बना दी थी SEG ग्रुप की महिलाएं, साबुन बिके का, तो पास में जिस विश्वविद्यालय में कार्यक्रम कर रहा था वहां 400 बच्चे रहते थे, मैंने उनसे कहा कि साबुन जो भी खरीदोगे इनसे खरीदो। मैंने थोड़ी दूर राजपुर में गया, वहां पर 700 बच्चे पढ़ते थे, उनके कहा मैंने जितने साबुन खरीदोगे वो खरीदोगे। फिर आगे गया जगपुरा में होटल था, मैंने होटल वाले से कहा दिनों से साबुन तुम खरीदोगे, तो उनके पास साबुन का ऑर्डर ज्यादा आ गया, माल कम बनने लग गया, तो मैंने कहा मशीन और डाल दो साबुन की। ऐसे अचार आपने बनाया 3-4 जगह, उस अचार को खरीदने का काम की व्यवस्था कर देंगे, जो सारा अचार खरीद लेंगे, वो अचार खरीदने वाले आपको जो मेटेरियल है पैकिंग मेटेरियल भी उपलब्ध करा देंगे, तो
तो पैकिंग मटेरियल वो आपको अलग से खरीद के आपको बनाना और उसको पैक करना है, वहां से कलेक्शन कर कर वो अचार बेच देंगे तो अचार हो जाएगा। अब दूसरा, कुछ जगह किराने की दुकान भी लगाई जा सकती है बड़ी जगह, जहां पर आपको लोन दिला देंगे, कुछ होलसेल में सामान वामान तो उधार दिला देंगे। फिर तीसरा, एक मेरे दिमाग में भी बात आई कि हमारी कई बेटियां कोई पांचवी तक कोई आठवीं तक पढ़ने के बाद आगे नहीं पढ़ पाती। क्यों नहीं पढ़ पाती? क्योंकि कई जगह पांचवी तक स्कूल है, कई जगह आठवीं तक स्कूल है, और आठवीं से स्कूल जाना पड़ता है 5-6 किलोमीटर, तो जाना बहुत मुश्किल है। तो मैं एक ऐसा प्लान कर सकते हैं मैडम कि एसएनजी की ग्रुप को एक वेन गाड़ी दिला दें और वेन की गाड़ी का संचालन का काम वो करें, वहां छोटा मोटा कलेक्शन करें ताकि उसका ड्राइवर का खर्चा, और मैं तो कह रहा हूं ड्राइवर भी एसएनजी की महिला बने। आज फाइटर प्लेन कौन चला रही सबसे ज्यादा दुनिया में? महिलाएं चला रही। ट्रेन कौन चला रही? महिलाएं चला रही। मोदी जी का ड्रोन कौन उड़ा रही? महिलाएं उड़ा रही। सीमा पर कौन खड़ी? महिलाएं खड़ी है। आप कल्पना करें ये कहां पुलिस कांस्टेबल अभी थी नहीं कांतिका पुलिस कांस्टेबल कहां गई थी ना खड़ी थी? कितनी पुलिस महिला कांस्टेबल है? कितनी एनएम है? कितने अध्यापिका हैं? 30 साल पहले आपके गांव में कोई आपके गांव की एनएम देखी थी क्या? केरल की हुआ करती थी, केरल की हुआ करती थी ना। क्यों हुआ करती थी केरल की? क्योंकि केरल में 100 साल पहले 100% महिलाएं पढ़ी थी, इसलिए केरल की महिलाएं पूरे देश में पूरे विश्व में नर्सिंग का काम करती थी। अब हमारी बच्चियां नर्सिंग का काम करती नहीं करती, पढ़ाने का काम करती नहीं करती, सब सब्जी बेचने का काम करती नहीं करती, साड़ी की दुकान किराने की दुकान डेयरी का काम ये सब कर रही नहीं कर रही। मुझे आलिया में भी कई महिलाएं मिली, जो आलिया की कई महिलाएं ऐसी थी जो 10-10 साल से घर पे नहीं निकली। कितने 10-10 साल? जैसे ही वो आजीविका के साथ जुड़ी और उन्होंने कहा हमारी जिंदगी परिवर्तन होगी, हम आने जाने लग गए, समझने लगे कि हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं एक गांव में गया तो मैंने देखा इतना बड़ा गोडाउन किसने बना रखा है, तो पता चला आजीविका मिशन वाली महिलाओं ने गोडाउन बना रखा है। उसमें वह गोडाउन में गेहूं सोयाबीन चावल रखती थी, बैंक से 95% फाइनेंस करती थी और भाव आता था जब बेचती थी, या कोई रखना चाहे तो किराया देता था। वो गोडाउन प्रॉफिट में चलने लग गया। कुछ महिलाओं ने वहां पर डेयरी प्लांट डाल दिया मिलकर, तो डेयरियां चलाने लगी। अरे एक बात बताओ, एक पंचायत में एक साड़ी की दुकान चल सकती है? चल सकती? बताओ 50-100 साड़ियां तो बिक जाएगी ना, और उस कापरेन के और बूंदी और कोटा से सबसे सस्ती साड़ी आप होगी पंचायत में, क्योंकि सूरत से आपको सबसे सस्ती साड़ी दिलाएंगे। सूरत से साड़ी आएगी 13 पंचायत के क्लस्टर पर, क्लस्टर वाली देगी ग्राम पंचायत पर, और जब पैसा आएगी जब उसको चुका देगी। तो चल जाएगी, चल जाएगी, कोशिश करते हैं धीरे धीरे बिकेगी। बाजार आप बाजार में सस्ती देंगे तो सब लोग आपको लेंगे, तो अपन ये धीरे धीरे काम शुरू कर देंगे। एक पंचायत, दो पंचायत, तीन पंचायत में धीरे धीरे जितनी आएगी उतनी साड़ी बिकती रहेगी, 100 बिकेगी, 200 बिकेगी, धीरे 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 कुछ ना कुछ आदत फाल लगाना सीख जाएंगे, कुछ कपड़े सीने सीख जाएंगे साड़ी के साथ। फिर हर ग्राम पंचायत के अंदर पहले अपन सिलाई केंद्र खोलेंगे,
हर ग्राम पंचायत में। फिर जब सिलाई ट्रेनिंग जो कर लेगी उसको निःशुल्क सिलाई मशीन देंगे। आने वाले समय के अंदर कपड़ा कोई देगा, आप बनाने का काम करेगा, खरीदने का काम भी वो करेगा, कपड़ा देगा आप खरीदने का काम भी वो करेगा। सारे कोचिंग वाले से कहेंगे कि तुम ड्रेस का कपड़ा तुम दो और ड्रेस भी तुम खरीदो, बनाने का काम आपको कोई दिक्कत है कि उसमें बताओ, हो गया ना काम। कोचिंग वालों को भाई कपड़ा तुम दे दो, कटिंग ये काट लेगी और सी देगी और बना के दे देगी, धीरे धीरे काम खड़ा हो गया। कितना लिज्जित पापड़ कहां खड़ा हुआ था, ऐसे खड़ा हुआ था। अमूल डेयरी कैसे खड़ी हुई थी, ऐसे खड़ी गई। आज जो मैं कल गया मैंने देखा, क्या था उजला डेयरी है ना, वे उजाला डेयरी आप ही तो चला रहे हैं। 1,00,000 लीटर दूध कलेक्शन हो रहा है, कितना 1,00,000 लीटर। अगर आने वाले समय उजाला डेयरी का प्लांट यहां डल जाएगा तो 5,00,000 लीटर खरीदेगा और सारी महिलाएं चलाएगी उस उजाला डेयरी को, अमूल की तरह खड़ा कर देंगे। गुजरात में ये मॉडल है, हर महिला सुबह 5 किलो 10 किलो दूध बेचती है, शाम को बेचती है और 10,000-12,000 रुपए कमा लेती है। ये मॉडल है वहां पर, कोई मॉडल नहीं, ये मॉडल धीरे धीरे खड़ा हुआ अमूल का मॉडल। और आज अमूल देश में दुनिया में अमूल का प्रोडक्ट बिकता है। अभी हमारी महिला कांस्टेबल है ना, सुबह से चलती मेरे साथ पूरी, ये भी कोई गांव से निकली। हमारे यहां काप रेंज के अंदर आने वाले समय के अंदर 5 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। मां जब महिलाएं बच्चियां इस पुलिस की ट्रेनिंग, पटवारी की ट्रेनिंग और वन रक्षक की ट्रेनिंग करेगी तो पहले खेलेगी, ताकि वहां पर स्पोर्ट्स में उन्हें उनको बहुत दूर जाना ना पड़े। और माईजा के अंदर ड्रोन सकिया क्या, अब आने वाले समय में हमारी महिलाएं ड्रोन उड़ाएगी और जो छिड़काव दवाइयों का बीज का उसका भी छिड़काव करने का काम महिलाएं करेगी, ड्रोन बेटे उड़ाएगी, ड्रोन दीदियां होगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मोदी जी ने कि ड्रोन दीदियां होगी भारत की, पहले ड्रोन उड़ाएगी, आने वाले समय में दुनिया में सबसे ज्यादा फाइटर प्लेन हमारी दीदियां उड़ाएंगी। ट्रेन चला रही चला रही बताओ। ये परिवर्तन हम इस युग में देख रहे हैं, 10 साल के युग में भारत में दीदियां ही नेतृत्व करेगी। अभी भी ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति भवन तक दीदियां हैं, आने वाले समय के अंदर विधानसभा लोकसभा के अंदर दीदियां ही दीदियां होगी। 33% रिजर्वेशन है ना, तो 33% रिजर्वेशन होगी तो एमएलए भी आपकी होगी, एमपी भी आपके होंगे, पंचायत में आपकी, नगर पालिका में आपकी, लेकिन सरपंच प्रतिष्ठा में नहीं, खुद पंचायत चलाओ। गांव के अंदर चयन करते समय उस महिला को जिताए जो महिलाएं खुद काम करती हो, जिनके पति काम नहीं करते उन महिलाओं को सबको राज होता है कि आइंदा महिलाएं काम करें, नहीं तो एसपी साहब ही काम करते हैं, पति तो पता ही चलती कहां है। अब बदलना है जी, बदलने के अंदर भारत को बदलने का काम आपका ही है, आप ही बदल सकती हो मानकर चलो। आपकी ताकत है बदलने की और बदलाव होगा इस भारत के अंदर। मैं दिल्ली के अंदर था तो मेरे पास जब राखियां बेटी बांधने आई, छोटी छोटी कच्ची बस्ती है की बेटियां थी, उन्होंने राखी बनाई, उनकी राखी लोगों ने खरीदो बेची। आप राखियां बनाओगी, कापरे में लगाओगे, आप महिलाओं की बनी हुई राखियां, एक दिन आएगा लोग राखियां आपकी खरीदेंगे और दिल्ली की बनी हुई राखियां नहीं खरीदेंगे। बनाया दीपक, आपका बनाया दीपक लोग खरीदेंगे, चाइना का बनाया दीपक नहीं खरीदेंगे, आपका बनाया दीपक खरीदेंगे।
जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारे हाथ से बना हुआ दीपक, हमारे हाथ से बनी चीजें खरीदें, तो देश के अंदर बदलाव आया। दिवाली के अंदर जब मैं बाजार में गया तो लोग चाइना का माल नहीं खरीदते, भारत का बना हुआ माल, भारत की महिलाओं का बना हुआ खरीदते। जब कापरे में आप दुकान डालोगे कि अचार, कापरे के गांव की महिलाओं का बना हुआ अचार खाएंगे तो दूसरे दिन और खरीदने आएंगे कि ये असली अचार, जिसका मसाला भी असली है, जिसका तेल भी असली है, जिसमें कोई मिलावट का काम नहीं है, क्योंकि हमारा हाथ से वह मसाला होगा, हमारे हाथ से डला हुआ अचार होगा। आप पापड़ बनाओ और फिर एक काम मैं आपको देके जा रहा हूं, हम गर्भवती महिलाओं को इस केसराय पाटन कापरे लाखेरी के अंदर 1000 गर्भवती महिलाओं को एक महीने का सामान देते हैं, जिसमें मुंगड़ी भी होती है, लड्डू भी होते हैं, सब बताए है। हम ये काम ऐसे जी को देंगे, आप ही बनाओ और आप ही गर्भवती महिलाओं को दो, ताकि गर्भवती महिलाएं भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। बनाने का काम आपका हो गया, मिल गया काम। लड्डू बनाए आपने जो घर पे आप बनाते हो, मेरी माँ भी बनाती थी लड्डू, वो लड्डू को खरीदने का काम वह CSR वाली कंपनी खरीदेगी, आपको कोई बेचना है, फिर आपकी महिलाओं को लड्डू देंगे, सामान देंगे, कुछ देंगे। लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको कौन करेगा, ये सवाल है। आप मैनेजर साहब, आप अध्यक्ष जी और आपके साथ मैनेजर, इस प्लान को बनाकर आप एक महीने में ले आओ। सबसे पहले साड़ी का प्लान ले आओ। कुछ नहीं करना, मैं टेलीफोन कर दूंगा, मेरे पास आ जाना, वहां से साड़ी आपके पास सीधी डिलीवरी की कापरे पहुंचेगी, आप पंचायत में पहुंचा देना, जब बिक जाए जब उनको पैसे ट्रांसफर कर देना। सब मिलने वाले हैं मेरे, सबसे सस्ती साड़ी देंगे, जो बाजार थोक में बेचते हैं 100 रुपए की, आपको 90 रुपए में देंगे, बनी बनाई फैक्ट्री, महिलाएं खड़ी हो जाएगी। और जब बाजार में पंचायत में बेचोगे तो कोई कापरेट के बाजार में साड़ी लेने नहीं आएगा, क्योंकि कापरेट में बेचेगी वही साड़ी 120 रुपए में, आप बेचोगे 100 रुपए में, तो वही लेंगे साड़ी, मेरा दावा है, क्योंकि फैक्ट्री का मालिक सीधा आपको दे रहा है, बीच में कोई नहीं है, सीधा फैक्ट्री का मालिक पार्सल आया, सीधा कापरे उतरा, यहां से आपने पंचायत में पहुंचा दिया। इसलिए अब तीन काम, 13 पंचायत में चक्की मसाला चक्की डालने की योजना बनाना, मसाला चक्की चक्की मैं आपको पहुंचाऊंगा, 1 लाख का लोन मिल जाएगा आपको, काम चल जाएगा, जो बनेगा माल उसको खरीदने का काम कोटा सरकारी उपभोक्ता भंडार करेगा, वो सारा माल आपका खरीदेगा। रॉ मेटेरियल उधार देना है वो भी उधार दे देगा आपको, केवल आपको बनाना है। तीसरा काम और करना है, हम गांव में पढ़ी लिखी एक एक बेटी ढूंढो और उस गांव में दादी नानी का स्कूल चलाना है। जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है उस महिला को पढ़ाई लिखाई का काम नहीं करेंगे, उसको 4000 रुपये महीने में देंगे कोई से, वो वहां गांव के अंदर ही पढ़ाएगी, और जो 1 महीने पढ़ने आएगी उसको 1 साड़ी भी दी जाएगी, ताकि वह पढ़ ले और साइन करना सीख ले, इतना ही करना है अभी तो, ताकि 100% गांव, जो गांव 100% शिक्षित हो जाएगा, वहां पर सांसद कोष से स्पेशल काम कराएंगे, ताकि गांव को आदर्श गांव घोषित करेंगे, 100% गांव में पढ़े लिखे हैं। बड़ी मुश्किल से आएगी दादी नानी पढ़ने, बहुत मुश्किल से, बहुत कठिन काम है, मैंने चलाया हुआ स्कूल, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको फैक्ट्री होगी, अरे काये पढ़ने जवानों 50 साल के काये पढ़ने पड़ते, बड़ी मुश्किल से आओगी, मतलब हम उनको स्लेट देंगे, बत्ती देंगे, बक्सा देंगे, सब कराएंगे। मैनेजर साहब, एक एक को ढूंढो जो वहां गांव में पढ़ाए, पहले गांव में सर्वे करें, फिर वहां उनको स्कूल की दिक्कत आए पढ़ाने की, स्कूल हम जगह जगह लगा देंगे,
बक्सा दिला देंगे, स्लेट दिला देंगे, कुछ किताबें दिला देंगे, और जो एक महीने में 20 दिन पढ़ने आएगी उनको एक साड़ी, ठीक है ना। दादी नानी 100% पढ़ने जाए, उसको इतना ही पढ़ना है, पढ़ ले और साइन कर ले, ना कोई भी कागज पर साइन करा लो, वो फिर कहीं जमीन बेच दो, ये बेच दो, वो फिर बाद में केस करता फिर लगाता। हर कागज को पढ़ के साइन करो, कोई दिक्कत नहीं तो बताओ। अच्छा यहाँ पढ़ी बेटी महिलाओं में कितनी ऐसी महिलाएं जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, कितनी हाथ खड़ी करो, जिनको पढ़ने नहीं आता। यहाँ अपनी चेना 50% हो गई है पढ़ो ना हो। हाँ दादी सही बोली है, आप कई तो झूठ बोल रहे थे, कई ईश्वर मास्टर में बोल रहे हैं, बाकी 50% ना हो पढ़ो तो पढ़ने जाओगे आप गांव में स्कूल खुलेगा तो? हाँ हाँ दादी जाएगी, वो स्कूल का नाम होगा दादी नानी का स्कूल। मैंने चलाया हुआ स्कूल से कह रहा हूं मैं आपको, चलाओ स्कूल एक बार, ठीक है ना। अंगूठा क्यों साइन मार दू, फिर अंगूठा क्यों मार दू, एक महीना में सीख जाओ, एक महीना में जैसे दो महीना में पढ़ दो और साइन मार दो, बस उतना ही करना जो कायदे। अब कितनी जब महिला कितनी मोबाइल लेके चार बजे, और तो बिना पढ़े लिखे भी मोबाइल रखे जा हाथ में, अपना स्टाइल चला ले जा ठक 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 घुमा, मैंने कि पढ़ो ना आओ, पढ़ो ना आओ का जो सीख गया नाम पढ़ का अक्षर देख के चला मिला जो। सब महिलाओं को अपन जोड़ेंगे, आत्मनिर्भर करेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे, ताकि वह आत्मविश्वास की जिंदगी जी सके। मैं गांव में जाता हूं ना तो गांव में आदमी समस्या नहीं बताता, वहां की महिलाएं समस्या बताती है, क्योंकि तकलीफ महिला उठाती है आदमी नहीं उठाता। इसलिए मैं आपकी तकलीफों को समझता हूं, मुसीबतों को समझता हूं, मेरी कोशिश है कि आपकी तकलीफों को कम करूं, मुसीबतों को कम करूं, आपके साथ जुड़ा रहूं। हर 3-4 महीने में आपके साथ बैठूंगा, जो मैंने कहा था उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई उसको देखेंगे, साल भर में धीरे 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 अपन प्लान बना के आगे बढ़ते जाएंगे। और हर गांव के अंदर आने वाले समय के अंदर जब भी मैं जाऊंगा, जब वहां ACG की महिला से जरूर बोलूंगा, और आप भी उस गांव के अंदर योजना बनाओ सब मिलकर, इस गांव की समस्या की चर्चा करो और क्या क्या गांव में ठीक हो सकता है उसका एक साथ कागज भी बनाओ, ताकि इस गांव का भी विकास करेंगे और गांव को आत्मनिर्भर भी करेंगे। क्योंकि बहुत सारे काम है, खेत खलिहान के काम है, गांव में धीरे 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 एक एक किलो दो दो किलो के गेहूं के पैकेट बनाने लग जाएंगे, जिसको कोई भी खरीद लेगा वो तो धीरे धीरे बहुत सारे काम है। पहले कुछ काम करना शुरू करो, कामों की कोई कमी नहीं, हर महिला को काम दे देंगे गांव में, हर महिला को लोन दिला देंगे। धीरे धीरे ये बचत करते करते महिलाएं सब खड़ी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी का सपना है कि हमारी दीदियां लखपति बने, इस सपने को हम सबको मिलकर साथ मिलकर पूरा करना है। मुझे विश्वास है भारत की दीदियां माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।